हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन का सब्जी बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे पानी गर्म होने के लिए डाल दिया था। अब इसमें डालेंगे हम सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन है। पानी इतना डालें कि सारे सोयाबीन उसमें एडजस्ट कर जाए। और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो अब पानी में उबाल आ रहा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सोयाबीन को हम छान लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल और इसमें हम डालेंगे उबली हुई सोयाबीन। इसे हमने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया हुआ है और थोड़ी सोयाबीन हम बचा लेंगे और सोयाबीन को हम 3 मिनट तक भून लेंगे। तो हमने इसे 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे भून लिया। अब हम इस सोयाबीन को एक बर्तन में निकाल लेंगे और हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच ऑयल और फिर डालेंगे इसमें कटी हुई प्याज। इस प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। सोयाबीन अब हम इसमें डालेंगे और इसमें हम डालेंगे दही और 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा डालें। अब इस सब को हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब 1 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब प्याज सुनहरा हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। एक मिक्सिंग के जार में बचे हुए सोयाबीन डाल के इसे पीस लेंगे। तो अब ये सोयाबीन पीस चुकी है। इसे निकाल लेंगे हम एक बर्तन में। अब भुनी हुई प्याज भी हम मिक्सिंग जार में रखेंगे और इसे भी पीस लेंगे। तो अब ये प्याज पीस चुका है। इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। एक बार फिर से हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसे गर्म होने देंगे। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच ऑयल और इसमें हम डाल रहे हैं 2 दालचीनी, 2 इलायची, 2 लौंग और 4 से 5 दाने मरीच के, 1/4 चम्मच सौंफ और जीरा और इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई प्याज और इसे हम चला लेंगे। इसे भूनना नहीं है। 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये सोयाबीन और दही का मिश्रण जो है इसे डाल देंगे। तो देखिए इसमें जो बचा हुआ है इसमें हम पानी डाल के और इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसे हम चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी नमक स्वाद के अनुसार। पहले भी नमक दिए हुए थे। और 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच किचन क्विक मसाला और हल्दी। अब इसे हम चला लेंगे और इसे मीडियम गैस पे ही हम भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई सोयाबीन और हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब इसमें से ऑयल अलग होने लगा है। तो हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरा पानी और इसे चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लंबे आकारों में काट लिया है, और थोड़ी अदरक जिसे हमने काट लिया है, और हरी धनिया जिसे हमने बारीक काट लिया है और इसे हम चला लेंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तो अब 1 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब ये सोयाबीन की सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।